देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे खबर से न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। चकराता के सैया बाजार निकट मंडी चौक पर कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य की भाजपा सरकार का पुतला दहन किया। बता दें कि चकराता काल से त्योड़ी तीनों तहसील के 38 गांव को राज्य की त्रिवेंद्र रावत सरकार ने MDDA में शामिल किया। इसी को लेकर चकराता जौनसर बावर के लोग सरकार के इस फरमान से नाखुश है। आज काल से तहसील के सैया बाजार निकट मंडी चौक पर कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार का पुतला दहन किया। जिस नक्शे को बनाने की बात मैं कह रहा हूँ, उस नक्शे को बनाने के लिए आपको आर्किटेक्ट के पास जाना पड़ेगा। राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में प्राधिकरण लागू करने का निर्णय किया, और जब सरकार प्राधिकरण लागू करने के लिए विधानसभा में इस मसौदे को लाई थी, कांग्रेस ने पुरजोर विरोध इसका किया और आज भी कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध। आज ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब आदमी प्राधिकरण के रहते हुए अपना आवास नहीं बना, वो पूरे प्रदेश के अंदर इसका विरोध हो रहा है। और जौनसार बावर को भी जो है सरकार ने इस परिधि में लिया है, इसके जौनसार बावर के लोग भी विरोध करने का काम कर रहे हैं। ये काला कानून है, जिस कारण एक काले कानून के तहत जो है सरकार ने भ्रष्टाचार का एक नया अड्डा खोलने का काम किया है। पूरी सरकार उस भ्रष्टाचार में संलिप्त है। गरीब आदमी से इस सरकार का कोई सरोकार नहीं है, इसलिए लोग आंदोलित हैं। पंचायत राज विधेयक के परिप्रेक्ष्य में भी लोगों का कहना है कि इस सरकार ने जो कानून बनाया है, कानून जब बनता है तो भविष्य में लागू होता है। ये पहली मर्तबा हमने देखा कि पूर्व में भी इसको लागू करने का काम इस सरकार ने किया है। इसका भी पुरजोर जो है तमाम जो राजनीतिक दलों के लोग हैं या राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं। यहाँ तक कि भाजपा के लोग भी पंचायत राज अधिनियम से त्रस्त हैं, वो भी जो है चाहते हैं कि इसमें बदलाव हो, लेकिन क्योंकि वो सत्ता पक्ष के लोग हैं इसलिए अपने भावों की अभिव्यक्ति नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे साथी न्यायालय में गए हैं और मैं समझता हूं कि न्यायालय के माध्यम से कोई ना कोई निर्णय आएगा। सर, CM साहब का बयान आया है कि इससे कुछ हानि ग्रामीणों की नहीं होगी, तो आप इस बयान को किस तरीके से लेते हैं? किससे हानि? MDDA अगर नहीं होगी तो फिर ला क्यों रहे हो? ये प्रश्न मैं त्रिवेंद्र राव जी से पूछना चाहता हूँ। जब कोई हानि नहीं है, जब कुछ नहीं होना, तो आप प्राधिकरण ला क्यों रहे हो ये तो बता दो। क्या बिना नक्शा पास कराए हम भवन का निर्माण कर सकते हैं? क्या बिना नक्शा पास कराए हम दुकान बना सकते हैं? तो बताएं त्रिवेंद्र जी, क्या नाम दे बयान इस पर। अभी त्रिवेंद्र जी जब एकलव्य विद्यालय में आए थे, हमें बड़ी उम्मीद थी शायद ये सरकार जो है कुछ करेगी, और भाजपा के लोग जो तीरंदाज अपने आप को बनते हैं, जो जमुना पुल से जब इधर आते हैं तो कहते हैं कि हम ही हम हैं, लेकिन जमुनापुर के बाद उधर जाते तो उनके हाथ में कुछ नहीं रह जाता। मेरा शायद कुछ कहेंगे कि प्राधिकरण वापिस लो और जो पंचायत राज अधिनियम है उसमें बदलाव करो, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं हुई, साहस नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री के सामने अपनी जुबान भी खोल सके।